वेलकम टू ऑनलाइन क्लास आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल यू ऑल आर लर्निंग वेल तो आज का टॉपिक हमने लिया है लेसन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड दिस इज द लेसन फ्रॉम क्लास सेवन साइंस एंड सी आर टी बुक और इसका टॉपिक जो है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल ये केवल क्लास सिक्स के लिए सेवन के लिए नहीं बल्कि आने वाली आपकी क्लासेस में भी बहुत काम आएगा सो वॉट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में सो डू नॉट स्किप इट ओके सो लेट स्टार्ट बट बिफोर दैट यू शूड नो वॉट इज अ मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन राइट सो वॉट यू मीन बाय न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड पोषण सो न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गैनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी न्यूट्रिशन क्या है इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं वेदर दे आर प्लान्ट और ह्यूमन बींग्स तो जो हम खाना खाते हैं और उसका जो यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी करती है दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रीशन ओके सो न्यूट्रीशन केवल खाना खाने तक सीमित नहीं है बल्कि जो न्यूट्रियट्स हैं जो हमारी बॉडी अब्जोर्व करती है वो भी न्यूट्रिशन का पार्ट है एंड यू ऑल नो अबाउट न्यूट्रियट्स इफ़ यू डोंट नो तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है यू कैन वॉच इट आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो न्यूट्रियट्स आर कॉम्पोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वाइटमिनस मिनरल्स ओके सो दीज आर कॉल न्यूट्री एंट्स सो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रियट्स राइट एंड वो न्यूट्रियट्स जो हमारी बॉडी में जब पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी ग्रो करती है हेल्दी होती है एंड हमें उससे एनर्जी मिलती है तभी तो हम खाना खाते हैं तो जैसे पहले आप क्या होते हैं यू आर जस्ट अ बेबी राइट बट बेबी को क्या चाहिए जो उसकी एज का अप्रोप्रिएट खाना है मिल्क है या वॉट एवर सरेक और लाइट फूड धीरे धीरे क्या होता है बेबी बड़ा होता है है ना फिर देखिए आप चाइल्ड होते हैं फिर एडल्ट होते हैं फिर ओल्ड होते हैं तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे कैन यू ग्रो नो कैन यू गेट एनर्जी नो यू फील वेरी लो इफ़ यू डोंट ईट फूड तो वो फूड क्या करता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं तरह तरह के तभी कहते हैं बैलेंस डाइट खानी चाहिए वो आपकी बॉडी में अप्रोप्रिएटली जब जाते हैं तो यू बिकम हेल्दी स्ट्रोंगर एंड यू ग्रो एंड यू गेट एनर्जी राइट तो आपकी बॉडी में रिपेयर भी करते हैं सारी चीज़ें तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या फंक्शन है आप वो वीडियो देखिएगा उससे आपको पता चल जाएगा जो मैंने इसमें इससे पहले जो डाली थी इन द सेम वे प्लांट्स भी उनको भी क्या चाहिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ओके दे ऑल्सो नीड देयर फूड इन देयर ओन वे तो जैसे वाटर है सनलाइट है एंड द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे सिंथेसाइज देयर फूड ओके उनको भी चाहिए तेन दे गिवस फ्रूट्स और फ्लावर्स लाइक दैट तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन ऑल राइट तो अब ये प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं बिकॉज ऑफ फोटो सिंथेसिस इसके लिए ये अलग टॉपिक है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ऑल राइट right? बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन क्या है तो और क्यों चाहिए हमें तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी तो जब हम यूटिलाइज करते हैं तो इट हैपन्स दैट वी ग्रो एंड वी बिकम हेल्दी द सेम वे इट हैपन्स विद प्लांट्स ऑल्सो वो भी जब उनको प्रॉपर सफिशेंट सनलाइट वाटर मिनरल्स कार्बन डाइऑक्साइड सब मिलता है दैन दे ऑल्सो ग्रो एंड फ्लरिश अब वॉट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिश सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रीशंस नंबर वन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नंबर टू हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वॉट यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आई टेल यू. सो ऑटोट्रॉफिक ऑटो मीन्स सेल्फ तो आपको पहले ये वर्ड देखना पड़ेगा वेन यू ब्रेक दिस वर्ड ओके यू विल गेट द मीनिंग मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफ्स मीन्स ट्रोफोज नरिशमेंट तो सेल्फ नरिशमेंट यानि कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट खुद करते हैं सेल्फ नरिशमेंट अपना पोषण खुद करते हैं वो क्या कहलाते हैं ऑटोट्रोफ्स ओके सो वॉट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स मेक फूड दैम सेल्व फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है वो अपना फूड खुद बनाते हैं किस में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सो वॉट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स ये आप याद कर लीजिए मेक फूड दैमसेव फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज ये अपना खाना खुद बनाते हैं ओके दे सिंथिसाइज देयर फूड दे प्रिपेयर देयर फूड और इसीलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स ओके okay? अब ये खाना कैसे बनाते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी मैंने आपको बताया था जैसे इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट दे गैट एनर्जी फ्रॉम सन लाइट है ना फिर उनको वाटर चाहिए दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज दे ब्रीद दे ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड बाई टू प्रिपेयर फूड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन तो इस तरह से इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस ये क्या करते हैं जो प्लांट्स हैं दे सिंथेसाइज देयर फूड आपको पता होगा लीफ्स में क्या होता है ग्रीन पिगमेंट ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो इस तरह से अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स और ये खाना बनाने का जो प्रोसेस है इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया ऑटो ऑटोमीन्स सेल्फ यानी खुद बनाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं और ये जो प्रोसेस है खुद खाना बनाने वाला दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ओके नाउ व्हाट इज हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारी तो मामा भी खाना बनाती हैं तो क्या वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ नो no. हम खाना बनाते हैं लेकिन अभी आपको समझाती हूँ मैं वो क्या अंतर क्या है तो हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हाइड्रोज मीन्स अदर एंड्रोफिज अभी हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है कि दैट इज नरिशमेंट तो जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं ठीक है वो होते हैं हाइड्रोट्रोफ्स तो हाइड्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हुआ क्या इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स कौन है जैसे कि ह्यूमन बींग्स दे टेक इन फूड प्रिपेयर बाई प्लांट्स सो डिड यू अंडरस्टैंड कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है दे मेक फूड एंड हैट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर बाई अदर ऑर्गेनिज्म तो इसमें फूड में भी प्रिपेयर बाई प्लांट्स और वो डिपेंडेंट हो सकते हैं एनिमल्स पर भी लेकिन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बोथ आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड इन हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन ओके अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे अगर आप सोचते होंगे कि हमारे घर में तो हम खुद खाना बनाते हैं लेकिन हम खाना जो बनाते हैं वो लाते कहाँ से वी गैट दैट फूड फ्रॉम प्लांट्स तो वी आर जस्ट कुकिंग है ना वी आर नॉट सिंथेसाइजिंग द फूड बट प्लांट्स आर सिंथेसाइजिंग द फूड दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए आपने देखा होगा जो फ्रूट्स आप खाते हैं है ना कोई भी हो चाहे एप्पल हो मैंगो हो और वट एवर द फ्रूट यू ईट यू गेट दैम फ्रॉम प्लान्ट प्लांट्स ही मार्केट में आते हैं और हम मार्केट से बाय करके उनको घर पर लाते हैं तो डायरेक्ट जो आप फ्रूट्स हैं वो प्लांट्स से नहीं ला रहे हैं बट वी आर गेटिंग फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स ओके चाहे भले ही वो मार्केट में या मॉल से आप कहीं से भी खरीदते हैं बट एक्चुअली वी आर गेटिंग दो फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इन द सेम वे वी आर गेटिंग वेजिटेबल्स व्हाट एवर वी ईट वेदर इट इज लेडी फिंगर पटेटो टोमेटो व्हाट एवर यू आर ईटिंग यू गैट दम फ्रॉम प्लांट्स इनफैक्ट सीरियल्स पल्स यानी अनाज dalen sabziyan and fruits everything what we are eating we get from plants so in this way we are dependent on plants to so is hum log kaun heterotrophs ya autotrophs tell me yes we are heterotrophs because we are dependent on the plants for our food in fact animals are also are dependent on plants for their food or hum sometimes we are dependent on animals also for our food like milk curd we are getting from animals so in a way we are heterotrophs you got it so animals humans and other organisms who depend on the plants for their food they are heterotrophs

बहुत जल्द मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी तब तक, तक के लिए अपना ध्यान रखिए टेक केयर बाय